हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 12th में है और आपके पास अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है या बिजनेस स्टडी यानी कि व्यावसायिक अध्ययन नाम का आपके पास सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप कंप्लीट सिलेबस करें बिना किसी फीस के, तो बेटा आपको उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। कहोगे सर फीस? नहीं बेटा, कोई फीस नहीं देनी। आपको सिर्फ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मेरे पास इस नंबर पर मैसेज करेंगे और हमसे कहेंगे सर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें। जो गर्ल्स हैं उनके लिए अलग ग्रुप है और जो बॉयज़ हैं उनके लिए अलग ग्रुप है। आप मुझे अपनी क्लास, अपना नाम और अपना जिला भेज देंगे, मैं आपको आपके ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। इससे होगा क्या बेटा, जो भी मैं आपको क्लास कराऊँगा, एक तो आपको उसका टाइमिंग क्लास के 2 घंटे पहले बता दिया जाएगा कि आज इस समय पर हमारी ये लाइव क्लास होगी या ये रिकॉर्डेड क्लास आएगी। दूसरा, जो भी क्लास के मेरे पास पीडीएफ होते हैं वो सब आपको दे दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं बोलूँगा कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं भाई कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं बैठा हूँ बेटा, मेरा यहाँ पर काम है आप लोगों को अच्छे नंबर दिलाना। तो चैनल भले ही मत सब्सक्राइब करो, मैं तो कह रहा हूँ अनसब्सक्राइब कर दो अगर कर भी रखा है तो। लाइक मत करो, डिसलाइक कर दो, बस एक तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि मैं आपको क्लास के बारे में बताता रहूं। दूसरा, आपको इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है मेरे बच्चे, दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है और आपको जो भी मैं आपको करा रहा हूं बेटा आपको कॉपी में लिखते चले आना है। क्लास वाइज मैं आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूं बेटा। अगर मैं फिलहाल अभी हम बात करें, हमारे 2 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, एक क्लास में मैं आपको करा रहा हूं साझेदारी का प्रवेश और एक क्लास बेटा मैं आपके कराता हूं गैर लाभकारी संस्थाएं। तो दोनों ही क्लास चल रही है बेटा, तो आप दोनों ही चैप्टर को तैयार करते चलना। और मैंने जिन्होंने कल वाली क्लास देखी बेटा, मैंने बताया था कल वाली क्लास में हमने कल बोर्ड का जो 2022 का पेपर आया था उसमें डिस्कस किया था और आपको दिखा था किस तरह से सारे क्वेश्चन थ्योरी के थे, 100 के 100 मार्क्स थ्योरी का आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने होंगे, उनके साथ में भी और में थ्योरी ही आती है। तो अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेते हो, मान लो आप ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, तो भी आप 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हो। चलो जी, बिना मैं टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। आज हम क्या क्लास में क्या करने वाले हैं, नए साझेदार का प्रवेश नाम का चैप्टर है बेटा आपके पास, आप बुक में देख सकते हैं। उसके 2 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन जो पेपर के अंदर हर साल आते हैं, मैं आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन कराऊंगा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, हर साल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लगभग लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक प्रश्न है जिसका नाम है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताओ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने पुरानी क्लास नहीं ली तो क्या हमें समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा, मैं हर क्लास को उसी तरह से पढ़ाता हूँ ये मानकर कि पहली बार ही मेरा बच्चा मेरी क्लास को देख रहा है। इसलिए आपने देखा भी होगा हर क्लास में बोलता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अब देखो, 2 अनुपात की बात करते हैं। एक अनुपात होता है त्याग अनुपात, एक होता है लाभ प्राप्ति अनुपात। इन दोनों अनुपात के बारे में समझते हैं ये होते क्या है। अगर आपने बिल्कुल भी कोई क्लास नहीं ली है, आपको कुछ भी नहीं आता बेटा, तब भी आप इस क्लास को बहुत ध्यान से समझें, कॉपी पर लिखते जरूर आए। जो चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा वो तो जरूर कॉपी पर लिखें। चलो बाकी जो रिकॉर्डेड है वो तो आपको खैर पीडीएफ में भेज भी दिया जाएगा, लेकिन जो चीज़ मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वो तो प्लीज़ बेटा आपको भी लिखनी चाहिए। चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सर ये त्याग अनुपात होती क्या चीज़ है। बेटा मानते हैं एक हमारी फर्म है, फर्म समझते हो, एक हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस में 2 साझेदार हैं, एक ए नाम का साझेदार है, एक बी नाम का साझेदार। मान लो ये बॉक्स हमारा लाभ है, ये क्या है बेटा हमारा लाभ, और इस लाभ को कौन लोग बांटा करते थे भाई, 2 ही साझेदार थे, ए और बी बांट लिया करते थे। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताओ त्याग अनुपात क्या होता है? अरे सुन तो लो भाई, 2 लोग थे, दोनों ही लाभ को आपस में बांट लिया करते थे। अब एक नया साझेदार आएगा, ये ऐसे मान लो बेटा ये आपकी एक रोटी है, आप 2 लोग थे, एक ए नाम का पर्सन एक बी नाम का पर्सन, इतनी रोटी ए खाया करता था, इतनी रोटी बी खाया करता था। अब सीधी सी बात है बेटा, आपकी इस रोटी के साथ एक नया साझेदार और जोड़ दिया जाए, मैं कहूँ भैया एक साझेदार और आपके पास आ गया, पहले आप 2 थे, एक तीसरा और आ जाएगा, जब तीसरा आएगा बेटा वो भी रोटी खाएगा, खाएगा ही नहीं खाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल खाएगा, सर दूसरी रोटी दे देंगे, दूसरी नहीं बेटा आपको अपने में से देना होगा। मान लो पहली फर्म में 2 साझेदार थे ए और बी, तो ये दोनों के दोनों बेटा जितना भी लाभ होता था दोनों दोनों बांट लिया करते थे। अब जैसे ही एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो सीधी सी बात है नए साझेदार के आते के साथ
तो उसे भी तो बेटा इस फर्म में कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी तो कुछ ना कुछ लेगा। हाँ जी सर, जरूर लेगा। तो जब नया साझेदार आएगा तो वो भी अपना हिस्सा मांगेगा बेटा इस लाभ में। हाँ जी मांगेगा। तो जब नए साझेदार के आने से पुराने साझेदार को अपने हिस्से का कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा त्यागना पड़ेगा इस बी को, कुछ हिस्सा त्यागना पड़ेगा उस ए को। तो नए साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदार को अपने लाभ में से कुछ लाभ का त्याग करना पड़ता है जो नए साझेदार को मिल जाता है। और कौन साझेदार कितना कितना लाभ का त्याग करेगा वो उनके एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है बेटा। कौन साझेदार नए साझेदार के आने पर कितना कितना लाभ त्याग करेगा, उसी ही अनुपात को आप बोलोगे कि भैया ये है इनका त्याग अनुपात। तो इससे दो बातें क्लियर होगी त्याग अनुपात की। पहली बात, तो त्याग अनुपात तब निकाला जाता है जब नया साझेदार प्रवेश करता है। त्याग अनुपात कब निकाला जाएगा, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा उस समय पर निकाला जाता है बेटा त्याग अनुपात। हाँ जी सर समझ गए। होता क्या है, नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदारों को अपने लाभ में से कुछ हिस्सा नए साझेदार को देना पड़ता है। उस ही अनुपात को कि कौन कितना कितना अनुपात अपना देगा, कौन कौन कितना कितना हिस्सा देगा, उसी ही अनुपात को त्याग अनुपात कहा जाता है। सर समझ गए, समझे कि नहीं समझे। हाँ जी सर समझ गए। अब ये मान कर चलते हैं कि मान लो पहले से यहां पर तीन पार्टनर थे, ए बी और सी। हुआ क्या, एक होता है बेटा लाभ प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात। ये कैसा और कौन सा अनुपात है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा और परिचर्चा करते हैं। देखो जी, तीन साझेदार हैं ए बी और सी, तीन साझेदार हैं ए बी और सी। हुआ कुछ ये, इस सी नाम के साझेदार की मृत्यु हो गई। हो सकती कि नहीं हो सकती, सर बिल्कुल हो सकती है। कोरोना से बेचारे इसकी डेथ हो गई, हो गई भाई। तो जब इसकी डेथ हो जाती है, या ये मान लो ये अवकाश, ये रिटायरमेंट ले लेता है, तो पहले ये हिस्सा तीन लोग बांट रहे थे। जैसे ही सी की क्या होगी, डेथ होगी, अब सी की डेथ होते के साथ, सी के जाते के साथ, ए और बी इसके हिस्से पर चिपट जाएंगे, कहेंगे मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है या कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जाता है, तो उसका हिस्सा पुराने साझेदार में बांट दिया जाता है। कुछ हिस्सा ए ले लेगा, कुछ हिस्सा बी ले लेगा। तो ए का कुछ लाभ बढ़ जाएगा, बी का कुछ लाभ बढ़ जाएगा। तो इस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात। और प्रश्न ये उठता कि दो प्रश्न आएंगे, त्याग अनुपात कब बनता है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है। जब नया साझेदार आएगा तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा। और लाभ प्राप्ति अनुपात कब बनेगा, जब कोई पुराना साझेदार की मृत्यु होगी, जब किसी पुराने साझेदार की मृत्यु होगी, या किसी साझेदार का क्या होगा बेटा, वो फर्म का त्याग करेगा, यानी कि फर्म को छोड़कर जाएगा, फर्म में से उसका क्या होगा, रिटायरमेंट। साझेदार के रिटायरमेंट के टाइम पर या साझेदार की मृत्यु के टाइम पर, जब साझेदार फर्म को छोड़कर जाएगा, उस समय पर क्या निकाला जाएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति क्यों, क्योंकि जो बचे हुए पार्टनर है बेटा उन्हें उसका हिस्सा मिलेगा, जाने वाले का हिस्सा मिलेगा, तो क्या निकाला जाएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात। तो प्रश्न अब हमेशा बेटा कभी भी आ जाए तो बता दोगे कि लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकालते हैं और त्याग अनुपात कब निकालते हैं, बताओ जल्दी से, यस और नो लिख कर बता दोगे भाई, त्याग अनुपात कब निकाला जाएगा, जल्दी बताओ, त्याग अनुपात जल्दी टाइप करके बताओ बेटा कब निकाला जाएगा, नए साझेदार के प्रवेश पर। और लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकाला जाएगा, जब कोई साझेदार की क्या होती है, मृत्यु, या वो फर्म को क्या करता है बेटा, फर्म को त्याग देता है, या फर्म से क्या ले लेता है बेटा, रिटायरमेंट ले लेता है, फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो उस समय पर क्या निकाला जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात। अच्छा सर, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है भाई, त्याग का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे और लाभ प्राप्ति का फॉर्मूला क्या होगा। पेपर में कभी कभी एक नंबर में फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं कि भैया लाभ प्राप्ति का फॉर्मूला बताओ
पर त्याग अनुपात का फॉर्मूला बताओ। तो बड़ा आसान है भैया, त्याग अनुपात कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, त्याग अनुपात कैसे निकालोगे, जो पुराना वाला, बल्कि मैं आपको यहाँ से थोड़ा समझा भी देता हूँ, बल्कि चलो सीधे लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा जो नोट्स हमारे पास बने हुए हैं। त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे बेटा, पुराना लाभ अनुपात मतलब माइनस नया लाभ अनुपात। अगर आपको त्याग अनुपात निकालना है कि किस पार्टनर ने कितना त्याग किया, तो खुद सोचो त्याग कैसे निकालोगे, पहले आप कितना लेते थे और अब आपको कितना मिल रहा है, तो पुराने वाले अनुपात में से नया अनुपात घटा देना है। पुराना अनुपात माइनस, सिंपल लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराने में से नया घटाना, याद रखना हमेशा पुराने में से नया अनुपात घटाते हैं। क्या निकालने के लिए, त्याग अनुपात फॉर्मूला आएगा। त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना नया क्या है भैया, पहले कितना लेते थे और अब कितना ले रहे हैं, पहले इतना हिस्सा लेते थे अब थोड़ा सा कम मिलेगा, तो हमेशा पुराना वाला इसमें बड़ा होता है, नया वाला छोटा होता है, तो पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाते तो क्या आता है, त्याग अनुपात। अच्छा लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे आएगा, ये उल्टा फॉर्मूला है, नए अनुपात में से क्या घटाते हैं, पुराना अनुपात। भाई सबको पता है हमेशा बड़े में छोटा घटाते हैं, तो लाभ कब होगा, जब आपके पास अब ज्यादा हो गया हो, तो पुराने नए में से कौन सा घटाना बेटा आपको, पुराना अनुपात। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पहले साझेदार कितना अनुपात ले रहा था, अब साझेदार कितना ले रहा है, तो बस इतनी बात को याद रखना है, त्याग अनुपात में पुराने में से नया घटाना है और लाभ अनुपात में नए में से पुराना घटाना है। कॉपी पर लिख लो, लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे बेटा, कंफ्यूज रहोगे हमेशा, है ना। त्याग में पुराने में से नया और लाभ में नए में से पुराना, याद कैसे रखेंगे बेटा, याद कैसे रखेंगे, से भूल जाएंगे हम तो। देखो पहले कौन सा चैप्टर है, एडमिशन, फिर कौन सा चैप्टर है, मृत्यु। पुराना एडमिशन था, तो एडमिशन में क्या निकालते हैं, यानी कि प्रवेश में क्या निकालते हैं, त्याग। तो त्याग वाला चैप्टर पहला है, तो इसमें पहले में से नया घटाएंगे। लाभ प्राप्ति कब निकालते हैं बेटा, लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकालते हैं, मृत्यु के टाइम पर। मृत्यु वाला चैप्टर कौन सा, नया है, बाद में आया ना मृत्यु वाला चैप्टर, तो नए में से पुराना। बस ये समझ लो, पुराना चैप्टर का होता है त्याग अनुपात, नए चैप्टर में लाभ अनुपात, और पुराने चैप्टर के लिए पुराने में से नया घटाना है और नए वाले चैप्टर के लिए नए में से पुराना घटाना है, ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी इतनी बड़ी चीज नहीं बेटा, इसमें ट्रिक बतानी पड़े, बस इतना से याद रखना, त्याग अनुपात में पुराने में से नया घटाना है, लाभ प्राप्ति अनुपात में नए में से पुराना घटाना है। अब जल्दी इसकी थ्योरी पर आते हैं, देखो जी क्या क्या चीजें हैं, पहले दोनों का अर्थ समझते हैं जो आपको पेपर में लिख कर आना है। त्याग अनुपात, पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, इसे त्याग अनुपात कहते हैं। प्राप्ति अनुपात में शेष साझेदार अवकाश या मृत्यु प्राप्त साझेदार को लाभ को प्राप्त करते हैं। जब एक कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका लाभ बचे हुए पार्टनर को मिलता है, उसमें लाभ प्राप्ति अनुपात होता है। त्याग अनुपात में जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा देते हैं, उसे त्याग अनुपात कहते हैं, मैं आपको बता चुका। गणना का समय, त्याग अनुपात नए साझेदार के प्रवेश के समय पर निकाला जाता है। प्राप्ति अनुपात किसी साझेदार के अवकाश या किसी साझेदार की मृत्यु के समय पर निकाला जाता है, पहली बता चुका आपको, हाँ जी सर बता चुके। तीसरा, त्याग अनुपात की गणना का सूत्र क्या है, पुराना लाभ माइनस नया लाभ अनुपात। और प्राप्ति अनुपात की गणना का सूत्र क्या है भैया, नया माइनस पुराना, हाँ जी सर याद हो गया। गणना के उद्देश्य भैया क्यों निकाल रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही क्यों निकाले जाते हैं, बस दोनों में सिंपल लिख कर आना है, इन दोनों को निकाला जाता है ख्याति का वितरण करने के लिए, गुडविल को बांटने के लिए। ये गुडविल को बांटना कैसे होता है बेटा, इसकी हम अलग से क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे। तो जब क्या होता है, नया साझेदार आता है तो वो गुडविल का पैसा लेकर आता है, तो उसके पैसे को त्याग अनुपात में बांटा जाता है। और जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो उसे गुडविल मिलती है, आने वाला गुडविल लाता है उसे त्याग अनुपात में बांटते हैं, और जब कोई फर्म में से छोड़कर जाएगा तो अपनी गुडविल का पैसा लेकर जाएगा, ख्याति का पैसा लेकर जाएगा, और उसे ख्याति का पैसा किस अनुपात में देंगे,
उसे ख्याति का पैसा दिया जाता है बेटा किसमें, लाभ प्राप्ति अनुपात में। तो जाते हुए साझेदार को भी गुडविल मिलती है, आते हुए साझेदार गुडविल लेकर आता है, तो आते समय गुडविल का जो पैसा आएगा उसे बांटेंगे किस अनुपात में, त्याग अनुपात में, और जाते समय किस अनुपात में, समझ गए, प्रभाव। त्याग अनुपात का प्रभाव पुरानी साझेदारी के लाभ में कमी का प्रतीक है, और प्राप्ति अनुपात का प्रभाव नए साझेदारों के में वृद्धि का प्रतीक। सिंपल सी बात, तो मजाक ही दे रखी, खैर ताकि मैं इसके पॉइंट बढ़ा सकूं इसलिए दे दिया। नॉर्मली क्या बेटा, त्याग अनुपात कब निकालते हैं, जब आपका अनुपात लाभ अनुपात घट जाए तभी तो त्याग अनुपात निकाला जाएगा आपको कितना त्याग करना पड़ा। और प्राप्ति अनुपात कब निकालते हैं, जब आपका अनुपात या आपका लाभ बढ़ जाए तब प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक के नंबर, टॉपिक नंबर 2 है पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता, तो चूंकि बेटा समय 15 से 20 मिनट होने वाली है, तो मैं हमेशा क्लास 20 मिनट से ज़्यादा की क्लास कभी नहीं लेता, और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है पुनर्मूल्यांकन खाता, तो इसे हम अगली क्लास में करेंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसके प्रभाव हैं, तो इसकी चर्चा अगली क्लास में। आज की क्लास चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, बट आप इसे कॉपी पर नोट कर लेना, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो चाहें तो हमारी क्लास लाइव क्लास ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको नंबर दे चुका हूँ, स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिलती रहे। इस क्लास की PDF मैं आपके नोट्स में आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। तो इसी के साथ चलिएगा आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।